शादी 1 महीना हो गई है, 12 अप्रैल को हुई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और मेरी फैमिली मुझे बहुत दुखी कर रही है, कल उन्होंने मेरे को मारा पीटा और धमकी दी फालतू की, तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, फिर शादी आदि करेंगे। मुझे धमकी दी साथ ही इनको भी धमकी दी, इसलिए कल मैं उनसे तंग आके अपने हस्बैंड के पास आई हूँ। हस्बैंड के पास खुश हूँ, फिर वो धमकी दे रही है। कल रात में जो फोन नहीं किया था, बोलते थे तेरे को उठा के लेके जाएंगे, भाई बहन मारेंगे, इस तरह की धमकियाँ हमें मिल रही है उससे। शादी की थी हमने 1 महीना हो गया उनको, स्टेशन कोर्ट थाने में नहीं गए थे हम, एस बी साहब से मिलने आए। मैं सुगंधा उफ मायरा, उनका मलिक, मैं भजनगंज में रहती हूँ, ये भगवाना। हमारा रिलेशनशिप 2 साल हो गया, हम 2 साल पहले मिले थे और हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। और जैसे जैसे करके अभी 1 महीना पहले हमने शादी की, शादी करके हम इसको मम्मी के पास में 1 महीना तक इसकी मम्मी के पास में रखा। इसकी मम्मी, इसकी मौसी और इसके भाई भाई इसको परेशान करते बहुत, इसको पीटते वगैरह हैं। तो कल रात को इसकी मम्मी ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, बोला तू जा यहाँ से निकल इसके घर से बाहर। तो इसके इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं आया इसको लेने के लिए, तो इसने इसकी मम्मी का फ़ोन आया, बोले तेरे को भी मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, थाना कोर्ट कचहरी करवा देंगे, तेरे को बंद करवा देंगे। तो इस सिलसिले में मैं एसपी साहब के पास आए ज्ञापन देने के लिए कि भाई हमारे को प्रोटेक्शन मिले या हमारे को कुछ ऐसा कुछ हो जिससे हमारे का ऐसा कुछ ना हो, कानूनी कार्रवाई नहीं हो। किस समाज से हैं आप? जी मैं मुसलमान समाज से हूँ। लड़की हिंदू समाज से। शादी कहाँ पे करी? शादी हमने सेशन कोर्ट में करी। आज कहाँ किससे मिलने आए? आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं अर्जी। दोनों बालिग थे? जी दोनों बालिग हैं। लड़की की एज है 24 साल, लड़के की एज है 22 साल। क्या नाम लड़की? लड़की का सुगंधा उर्फ मायरा, मलिक अच्छा भगवाना।